हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिजवान हैदर एंड मोहसिन अली वेलकम यू इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप दोस्त जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, कल फिर पाकिस्तान की जो आउटडेटेड क्रिकेट का स्टाइल है खेलने का, उसको एक्सपोज कर दिया न्यूजीलैंड के बच्चों ने, और एक्सपोज भी ऐसा किया कि बस अब कहीं मुंह छुपाने जोगे नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे हैं यार क्या हो गया, एक T20 का मैच है, ये है तो T20 का ही मैच, हमें पता है, लेकिन ये अगर उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आ गई तो फिर तो ये शायद अपने होम ग्राउंड में 4-5 में से एक मैच जीतेंगे। अगर उनके बच्चे आके इनका ये हाल कर रहे हैं तो वो जो मेन उनकी पूरी प्रॉपर टीम है अगर वो आ गई जो कि अभी खेली थी इनसे न्यूजीलैंड में, तो फिर इनका क्या हाल होगा। इसका मतलब है कि उधर भी बेड़ा गर्क और इधर भी बेड़ा गर्क। तो क्या ये बात जस्टिफाइड है कि आप वर्ल्ड कप में कभी 2 साल बाद 4 साल बाद एक क्रूशियल मैच जीत जाए और बाकी सारे मैच हारते रहे। उनके बच्चों ने आके इनको हराया और जिस तरह एक्सपोज किया वो ज्यादा छुपने वाली बात है। और कल भी जो बातें की वो दिल से बातें की हैं, ऐसा कोई अपनी टीम के कोई मजे थोड़ी लेता है। लेकिन अब जब बाबर और रिजवान 51 गेंदों पे 59 रन बनाएंगे, यानी 51 बॉल पे 59 रन बनाएंगे, अब 9-10 ओवर का आप 9 ओवर खेल जाते हैं और आप 55-60 रन बना रहे हैं, तो ये कहां की शराफत है। दोनों ने मिलकर कल 51 गेंदे खेली हैं और 59 रन किए हैं, 51 balls and 59 runs, हाउ इज इट जस्टिफाइड ऑन अ पिंडी पिच। याद हो कि जी पिच ही 150 वाली है, मैदान पता नहीं कौन से मैदान में मैच हो रहा है, स्पिनर्स छाए हुए हैं, टेस्ट मैच वाली पिच बनी हुई है, तो समझ में आता है कि जी चलो ठीक है 50 गेंदे खेली है 60 रन किए हैं। लेकिन बिल्कुल शीशा पिच में जहां पे चैपमैन 42 गेंदों पे 87 रन नॉट आउट करके जा रहा है, हमारे दो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन, मोस्ट ही है ना, एक के 3000 रन हो गए, एक 3500 करके खड़ा हुआ है, रैंकिंग में भी तीसरे और चौथे नंबर पे मौजूद हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस हमारे वाले खेल के जाएंगे 51 गेंदों पे 59, तो बात चुभने वाली है कि नहीं, बात शर्मिंदगी वाली है कि नहीं। और फिर साथ में हमारे दो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर शाहीन और नसीम, वो भी अगर जुड़ जाएंगे और वो 81 रन देंगे 38 बॉलों पे, मतलब 200 के भी ऊपर स्ट्राइक रेट से फेंटी खाई है उन्होंने, 38 गेंदों पे उन्होंने 81 रन खाए हैं। तो फिर हम अपने बच्चों से जो नए आ रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे ये वाले जो मेन वाले हैं वो अगर इतना पिट रहे हैं, नसीम और शाहीन अगर वो इतना पिटेंगे तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया हमारी क्रिकेट। अगले मैच ये दो जीत भी गए तो भी इनको पता चल गया धचका जो लगना था, ठीक है ये बच्चों को इन्होंने बनाया हुआ अपना वतीरा, बच्चों को हरा के अपना एवरेज सेट करते रहते हैं, तो वो चैपमैन इनकी ताड़ में रहता कि भाई मैं अपनी एवरेज सेट करूंगा। मैच है मुंबई का और राजस्थान का, मैच बड़ा क्रूशियल है एक टीम के लिए जिसका नाम है मुंबई। राजस्थान दे आर राइट एट द टॉप ऑफ द टेबल, वो ऑलमोस्ट एक पाव उनका चला गया प्ले ऑफ में, दूसरा अब वो इंतजार में है कि 2 मैच और जीते बाकी के 7 मैचेस में से तो दूसरा पांव भी चला जाएगा, लेकिन पांव उनका फिसल जाता है, वैसे लास्ट टाइम तो फिसल गया था। मुंबई अब गलती की गुंजाइश कोई नहीं है इनके पास, एक मैच और आ रहा तो फिर ये उस पोजीशन में जाते जा रहे आहिस्ता 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 के दैट दे नीड टू विन ऑल देयर मैचेस। अगर आज का मैच ठुक गया फिर मोर और लेस वही सिचुएशन हो जाएगी, हाँ भाई बाकी के सारी जीतने हैं और शायद एक आधे में कोई ऑप्शन निकल आए तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। जी गुड मॉर्निंग मोहसिन साहब। गुड मॉर्निंग जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान साहब शानदार जानदार इनिंग खेलने के बाद, दुनिया क्रिकेट में अपनी धाक बिठाने के बाद वो रूल आउट हो गए और उनकी जगह हसीबुल्ला जो है शायद उनको रिजर्व में था उसको अंदर कर लिया जाए और इस तरह पाकिस्तान की टीम बनेगी। आपका कप्तान तो आजम की जगह पे नहीं डाला उसको, किसको? हसीबुल्ला आजम ही की जगह, लेकिन वो रिजवान की तो नहीं ना आप लेंगे, एक ही बात है दोनों की जगह, अब कितने को लेंगे, 2 तो मैच है 25 और 27 को। कहने का मकसद ये है कि कोई कोई गैरत की गोली होती तो
तो सबसे पहले देखिए हर रोज अंडर, अब वो इंटर कॉलेजिएट, अब वो इंटर स्कूल, मतलब बहाना चाहिए मुझसे नकवी को किसी तरह खबरों में आ जाए, कोई तरीका वही जुनेद ज़ियार वो फलाना ढिमकाना वही लगाए होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। मसला ये है जब आपका इतना इतना गैर संजीदा कोच आपने लगाया है जो कह रहा है हम सीख रहे हैं, कोई यार शर्म करें, कोई हया करें, ओ भाई इतनी इतनी बेइज्जती वाली एक गुमनाम टीम ने और आप हारना सीख रहे हैं उनसे, मतलब आप कह रहे हैं दो रन बन सकते थे, फलाना हो सकता था, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपको कोई हया नहीं आती। और वो मोहम्मद आमिर परसों जुबैर ने उससे सवाल किया कि जो आपने माजी में गलतियां की थी अब तो नहीं कहता, इंसान है गलतियां तो करता, ये मोहम्मद आमिर कह रहा है। अच्छा जी, हम सीख रहे हैं जी, हम किसने बोला जी, अजहर महमूद ने कल बोला, अजहर महमूद आपके कोच ने कहा। तो देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि चले सीख रहे तो वो हो रहा कि जो अपने प्लेयर्स को और शर्मदार तू डिफेंड करेगा बेहया, जिनका डेब्यू हो रहा है या जो डेब्यू में आए हैं अभी अभी नए नए आए हैं, पहला मैच है या नए दूसरा मैच है तीसरा मैच है, समझ में आता है जी सीख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा करेंगे। लेकिन ये सामने दोस्तों मैंने लिखा हुआ 51 बॉल 59 बाबर और रिजवान कंबाइन, और जब बॉलिंग की बात आई है नसीम और शहीन 38 बॉल गिव अवे 81 रन्स। ये कभी बाबर और रिजवान मिलके इन्होंने ये कभी ख्वाब में सोचेंगे कि हम 6 ओवरों में 80 डाल दें, दोनों मिलके 6 ओवरों में 80 वो इनके बस का नहीं है। और बॉलर ये 6 ओवरों में 80 रन्स दे रहे हैं, कौन आमिर, ये नसीम और शाहीन। तो सीखे तो वो के जो बच्चे आ रहे हैं, और तुम्हारे तो जो बुढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं जो सीनियर सिटीजन टीम में हैं जो कि 4 साल 5 साल 6 साल 3 साल से परमानेंट खेल रहे हैं वो पिट रहे हैं, वो टीम को ड्रैग कर रहे हैं पीछे की तरफ। ये नाम सामने लिखे हुए हैं, ये आप बॉलिंग में ये दोनों ज़ाहिर टॉप पे हैं और बैटिंग में ये दोनों मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, तो यही टीम को पीछे ड्रैग कर रहे हैं। सीखे तो वो के जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये तो वो टीम को पीछे ड्रैग करके जा रहे हैं कि जो पुराने हैं, तो जिनको पुराने नशे लगे हुए हैं 120-125 के स्ट्राइकर से खेलने वाले, तो वो टीम को पीछे लेके जा रहे हैं। भाई इसका कुछ करें आप, मेन प्लेयर्स आर लेटिंग डाउन पाकिस्तान, नॉट द किड्स और न्यू कमर्स। 8.5 ओवरों में 51 बॉलें यानी बनती हैं, उस पर अगर आप 59 बना रहे हैं, ये आपकी कारकर्दगी, आपकी ज़हनियत, आपकी जो वीएन है, आपका जो दिमाग है, ये इसको आया करती है। मैं अभी तक समझने से कासिर हूं कि बाबर आजम ने कौन सा ऐसा कारनामा किया जिसकी बिना पे उसको दोबारा कप्तान बनाया गया, स्पेशली T20 में। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम एक बुरी तरह नाकाम, और आखिरी इसके जो वर्ल्ड T20 से लेके एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप 2023 से लेके सिर्फ नाकामियां नाकामियां, फेलियर्स, फ्लॉप्स, थर्ड क्लास बैटिंग, बेगारताना बेशर्माना बेहयाना तरीके से एक ही बात, 4 दफा इसको ब्रेसवेल। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, न्यूजीलैंड T20 में ब्रेसवेल को रेगुलर नहीं खिलाता, इस सोडी को रेगुलर नहीं खिलाता, ये चैपमैन भी बड़ी मुश्किल से उनकी प्लेइंग 11 में आता है, ये जिमी नेशम भी नहीं आता, स्टाइफर्ड फाइफर्ड को कोई जानता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें किस बुनियाद पे इस बाबर आजम, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरह पता था शाहीन को उठाएगा एक क्यामत आएगी, ना सिर्फ शाहिद अफरीदी लाहौर कलंदर, शाहीन अफरीदी के अपने और टीम के अंदर जो एक एक लॉबी है वो पूरी तरह एक्टिवेट। अभी देखे सारे सिकंदर बाग, ये अभी तो आपकी गुड लक क्या कि आपने रजाक के मुंह में पैसे डाले हुए पीसीबी के, वो कंबोज है अच्छा, फिर आपने इसको कप्तान बनाया, शाहीन को हटाया, आपने कोई कोई वजह नहीं बताई क्यों उठाया क्यों लगाया। भाई सीधी बात है, 4.5 साल उसकी कप्तानी नाकामियों से
फाइनलों में तो विराट कोहली भी फाइनल्स खिलाता रहा, रोहित शर्मा भी फाइनल खिला रहा है, और भी कई फाइनल खिलाते रहे हैं। तो अगर बाबर भी खिला रहा है, बाबर की अपनी जाती परफॉर्मेंसेस क्या है, शाहिन अफरीदी की जाती परफॉर्मेंसेस क्या है, बल्ला पकड़। अब देखें, अगर आपने डोमेस्टिक की बेस पे यानी पीएसएल की बेस पे, तो पीएसएल की बेस पे तो शदाब खान को कप्तान होना चाहिए था। इमाद वसीम की सुपर सुप्रीम बैट बॉल से परफॉर्मेंसेस थी, वो बाहर बैठा हुआ है। किस बुनियाद पे शाहीन, आमिर वगैरह। अब देखें, एक मैच आमिर खेला, कल का मैच आमिर नहीं खेला, परसों बारिश हुई, मौसम ऐसा था, पेसर्स को आपके हेल्प मिली, 90 पे आउट किया आसमान। हमारी ही टीम ने, एक तो इन्होंने पेड़ रखे हुए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ जर्नलिस्ट जो इनकी पॉलिश करते रहते हैं। स्केरी लुक एट पाकिस्तान बैंक स्ट्रेंथ, स्केरी। अबे गधे के बच्चों, अबे क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, ना माकूलो झांटुओ, तुम्हें ये नहीं पता ये फुल स्ट्रेंथ, नॉट अ सिंगल प्लेयर मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान टीम विच इज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड नॉट अ सिंगल मेन प्लेयर इन द न्यूजीलैंड टीम विच इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। गुड लक आपकी हो गई 2023 में, आपने जनाब वो रेन शॉर्टन हरा दिया, फखर जमान वही साल में एक दफा चलता है, चल गया। 2022 वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल, यू आर वेरी वेरी, आपने जनाब बेहतरीन सेमीफाइनल हरा दिया। 2021 ग्रुप स्टेज में आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने 4-1 आपको हराया, अभी आपके घर में घुस के 178 रन उन्होंने 10 बॉले पहले, और आपका कप्तान कह रहा है हम 10 रन शॉर्ट थे। अजहर महमूद कह रहा है उनके स्पिनर वर्ल्ड क्लास है, कोई बी टीम सी नहीं होती, तो लानत है तुम पे अगर कोई बीसी नहीं होती। अबे बीसीओ एमसीओ शर्म करो बेगार, तो कि तुम्हारे को बुरी तरह ना सिर्फ हराया बल्कि तुम्हारी टॉप बैटिंग टॉप बॉलिंग को नंगा कर दिया। आप एक तरफ कहते हैं अब आगे जी बुमराह या शाहीन, अबे भाई शाहीन इज नोवेयर नियर बुमराह। नसीम तो बेचारा अभी इंजरी से वापस आ रहा है, कल ही उसके धागे खोल दिए। कौर प्रीत कह रही है हेलो रिज सर एंड मौसम अंकल, हाउ आर यू, वी आर गुड। आई एम बिग फैन ऑफ विराट बट आई थिंक डोंट वरी बाबर गुड प्ले करेगा वर्ल्ड कप विच, और आरसीबी ने दिल तोड़ दिया। चलो वर्ल्ड कप में तो जो करेगा, वैसे तो फिलहाल तो इसने वर्ल्ड कप में मायूसी किया था, 2022 वाले वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ एक उसमें चलो सेमीफाइनल में एक अच्छी इनिंग आगे थी, वो भी जस्ट जिस मैच में 150 वाला टोटल पाकिस्तान ने चेज करना हो, तो उसमें चांस है कि बाबर आजम की अच्छी इनिंग आ जाएगी, क्योंकि उसमें फिर ये 125 वाला स्ट्राइक रेट ही चाहिए होता है, लेकिन जिसमें इनको खुदा ना खास्ता 190-200 करना पड़ गया तो उसमें तो फिर काम लपेट, और अगली फुल स्टंट टीम हुई दूसरी वाली तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। देखेंगे वर्ल्ड कप का, तो ये इसी चक्कर में थे कि हरा के इनको जाएंगे, रिकॉर्ड अच्छे होंगे और बताएंगे देखें जी हम तो जीत रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल देयर कोच इज सेइंग कि कोई ठीक है, वो हमें समझ में आती है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम है जी, मेन टीम ही होती है कि ये ए बी सी डी क्या होता है। तो अब ये हम बेवकूफ लोग हैं जो हमें नहीं पता कि उनके कितने लोग हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कल एक नोट किया कितने लोग हैं जी, बोल्ट विलियमसन साउदी कॉनवे फर्गुसन मिलने एडम एलन हेनरी मिचेल फिलिप्स रविंद्रा सैटनर, ये तो हो गए जो मेन, बाकी वो सोच रहे हैं मुनरो को भी डालें या ना डालें, चलो वो लीग शीक खेल रहा है आजकल, और उसके अलावा भी जो उनके जो सेकंड चॉइस वगैरह भी हैं वो चलो यंग शंग को भी डालते हैं बीच में वो तो ये कितने मैंने 15-14-13 नाम मैंने लिए, ये तो है ही नहीं इनमें। एक टीम के 13-14 खिलाड़ी जो हो सकते थे या 12 तो है ही है, चलो बाकी तो इधर उधर जो है कि नहीं है इफ्स एंड बट्स, लेकिन बोल्ट होता है विलियमसन होता है साउदी होता है कॉनवे फर्गुसन एलन
मिचेल फिलिप्स रचिन रविंद्रा सैटनर और बीच में एनी को भी डाल दे। 11 बंदे तो ये हैं, 11 बंदे कि जो कि टीम के मेन है वो तो है नहीं बीच में। तो फिर आप बेशक कहते रहे कि जी ए बी सी डी से क्या फर्क पड़ता है, तो मेन टीम है न्यूजीलैंड ही, वो भी बड़े अच्छे बच्चे हैं जो आए हैं, तो वो वाकई बच्चे हैं जो आके आपको क्रिकेट सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। तो बाबर आजम ने कुछ नहीं किया बड़े टूर्नामेंट में, सॉरी टू से आई लाइक हिम एज अ प्लेयर, मतलब स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, लेकिन इफेक्टिव वो बड़े वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, 50 ओवर में भी नहीं हुआ, T20 ऑस्ट्रेलिया वाले में भी ठुस हुआ, एशिया कप में भी नेपाल पे ही सारा गुस्सा निकाल दिया 150 करके, बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ नहीं किया। और एशिया कप वो जो T20 वाला था जब हम भी UAE गए थे, उसमें भी इसका बल्ला पूरे एशिया कप में, बेशक पाकिस्तान फाइनल खेला, बिल्कुल कुछ भी रन नहीं किए। तो जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट आता है तो बाबर आजम साहब के जो रन है वो सूख जाते हैं, जैसे खजान में पत्ते सूख जाते हैं वैसे रन भी सूख जाते हैं। तो आई होप कि अब इस वर्ल्ड कप में कोई, आप कह रही हैं तो कोई अच्छा कर जाए, तो व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम भी अब लटके हुए दरख्त के साथ कि क्या करें, अब इनको निकाले तो फिर जिनको डालते हैं वो भी तो वो है जिसके तने जो है ना जमीन के नीचे नहीं है वहां में, इसलिए उससे कोई उम्मीद भी नहीं है ना, शजर से वो व्यवस्था जरूर है लेकिन इसके लिए बाहर की कोई उम्मीद दिखते भी नहीं है। और कल पहले वाले मैच में जो ब्रेसवेल ने पहले इसको आउट किया था, पूरे 10-15 मिनट मैंने बात की थी इस पे, बात ये कि ये सीखते भी नहीं है। ब्रेसवेल ने इसको न्यूजीलैंड में भी आउट किया, ब्रेसवेल आके पाकिस्तान में भी इसको आउट कर रहा है। भाई वो एवरेज सस्पिन बॉलर है, उसकी तो कुट लगनी चाहिए। कल मारा इसने एक छक्का, मैंने कहा हाँ आज कोई मजा आया, आज तो जरा पहली दूसरी गेंद पे उसको स्ट्रेट पे वाह क्या छक्का दिया, अगली 3-4 बाले टोक 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 टोक, हिसाब उधर ही आ गया। जब आप एक गेंद पे छक्का मारते हैं अगली 3 डॉट खेल देते हैं तो हिसाब तो बराबर हो गया, उससे तो अच्छा था आप 2 डबले ले लेते, एक सिंगल ले लेते, तो उधर आपको रिस्की शॉट भी नहीं खेलना पड़ता। जब छक्का मारने के बाद भी अगली 2-3 डॉट ही खेलनी है और एंड पे आउट भी ब्रेसवेल ने किया, तो कौन सा वो जमाना होगा कि जब ये राशिद खान के सामने ठोस, वो नबी वगैरह के सामने भी वर्ल्ड कप में नहीं मार पाए, हालांकि वो ग्राउंड भी बड़ा था। तो ये चीजें चुभने वाली हैं कि जब आपको इतनी इज्जत दी जाती है, इतना नाम और सम्मान दिया जाता है, जाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, कोई माने या ना माने ये बात तो हकीकत है, जिस ग्राउंड में जाता है लोग उसी के आवाजें कसते हैं, उसी के नारे लगाते हैं, उसी के सबसे ज्यादा पोस्टर देख के आते हैं, ये हकीकत है एक। लेकिन भाईजान फिर इसको भी तो थोड़ा चाहिए ना कि फैंस का ख्याल रखे कि ब्रेसवेल ने चलो न्यूजीलैंड में तंग किया, पाकिस्तान में आके वो कैसे कर लेगा भाई, उसको कुट लगाओ, चौके मारो, छक्के मारो, उससे आउट मत हो। जो थोड़ा सा अच्छा डिसेंट बॉलर आता है, सोडी को भी हमेशा पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने कुटा है उसको, ये बाकी वाले तो बचते रहते हैं उससे, अब देखना बाकी के जो मैचेस है उसमें भी उसको बच बचा के खेलेंगे सोडी को भी, वो भी 4 ओवरों में 24 देता है, 20 देता है, 26 देता है, 2 खिलाड़ियों को भी ले जाता है साथ में। तो जिसके साथ नाम के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर है वो इनसे नहीं खेला जाता, उसी से ये फंस जाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, जो कि बड़ी चुभने वाली बात है कि आप जिस तरीके से एक दफा आउट होते हैं आप उस पर काम नहीं करके आते और आप अपनी वीकनेस को दूर नहीं करते। इसी गुमा में ही है कि जनाब ठीक है बाबर 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 हो रही है, रिजवान रिजवान हो रही है, फैंस शोर मचा रहे हैं और बस ये बल्ले बल्ले हो रही है, बड़े मौके पे बड़े टूर्नामेंट पे बल्ला बिल्कुल रन ही नहीं निकालता। जहां तक जी RCB की आपने बात लिखी है तो अब क्या कहा जाए, उनकी बॉलिंग उनको लेट डाउन करती है, हर साल करती है, इस साल भी किया है, कल बैटिंग ने बहुत अच्छा किया वैसे, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट, और मुझे पता था RCB अच्छा तो करेगी क्योंकि पिछले मैच में भी 287 के जवाब में उन्होंने फाइट दिखाई थी, ऐसा नहीं कि फाइट नहीं दिखाई थी, तो बैटिंग से आप उम्मीद लगा सकते हैं RCB की। और बॉलिंग दोनों चीजों में देखें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। एक आपकी जो टीमें टॉप में हैं अभी तीनों,
तो वो आपको बैलेंस्ड ही नजर आ रही हैं। सिर्फ उनकी अब राजस्थान रॉयल्स की क्या सिर्फ बैटिंग ही रन कर रही है, बॉलिंग उनकी तगड़ी नहीं है? जाहरा भाई उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप, बैटिंग प्लस बॉलिंग। तो ये बॉटम में आरसीबी क्यों है? बैटिंग तो गुजारा करती है, बॉलिंग बिल्कुल बेकार है, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है टीम का कि भाई आपको हर मैच में बैटिंग कितने को रन करके दे जब आपकी बॉलिंग उससे ज्यादा खा जाएगी। तो बैलेंस बड़ा जरूरी है, जिन टीमों का बैलेंस अच्छा है वो टॉप पे नजर आ रही है। हैदराबाद बॉलिंग में भी अच्छी है, बैटिंग में भी अच्छी है, टॉप फोर में है। केकेआर दोनों तरफ है, बैटिंग ज्यादा अच्छी है इनकी, बॉलिंग में स्टार्क इनको बड़ा लेट डाउन कर रहा है, बट स्टिल नारायण रसल वगैरह वो जो बैलेंस लेके आते हैं इनका बैटिंग और बॉलिंग में, दे आर एट द टॉप। सीएसके है, तो जिन टीमों का बैलेंस अच्छा है वो आपको टॉप फोर में नजर आ रही है। अब जिनकी बॉलिंग ही घटिया है सबसे, वो सबसे नीचे नजर आ रहे हैं, सबसे बेकार, और रिकॉर्ड भी उस दिन इन्होंने बनवा दिया 287 का। अब तो ऐसे नहीं काम चल सकता, और ये इनका हर साल का है। अब आप यस्टरडे यू वर सेंडिंग मैसेज, आई थिंक यू वर क्राइंग समथिंग लाइक दिस, आप ही ने भेजा था शायद मैसेज, या कोई और थी, या था कि जी रोना आ रहा है आरसीबी के उस पे हारने पे। तो जब उनको ही अपने हाल पे रोना नहीं आ रहा, तो आपको क्या जरूरत है रोने की? यस्टरडे विराट आउट या ना आउट, बस मौसम भाई तो कह रहे नॉट आउट था, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट 50-50 सही लग रहा था। कैफ कह रहा है बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो बॉल जो है देखना चाहिए, रूल जो है बड़े क्लियर है, आउट नहीं है, कुछ कह रहे आउट है, इरफान पठान कह रहे आउट है, क्या कह सकते हैं भाई? मेरी जो छोटी मोटी नाकस अकल है उसमें तो देखे, मैं सिर्फ आउट और नॉट आउट पे बात कर रहा हूँ, बाद में विराट अंपायर से भी मिले, सारा कुछ हुआ, मेरा जाती क्या है वो आउट मैसेज पता नहीं, लेकिन ये हिंदी में पहले तो एक दो लोग हैं वो ऐसे बेकार मैसेज करते हैं, ये भाई ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, किसी ने सुपर चैट ये जो भेजा पढ़ के बताए जरा, इस काबिल है स्क्रीन पर लाया जाए कि नहीं, और ये मैसेज करके आप प्लीज जरा बताएं दोस्तों कि क्या लिखा हुआ जी इन्होंने। शशांक कह रहे हैं रिस भाई विराट कोहली फाइन 50% ऑफ मैच फी फॉर कोड ऑफ कंडक्ट जी ब्रीच, आप मोबाइल थोड़ा वो जायज है, बिल्कुल सही है, आप गाली नहीं दे सकते, यू कांट लूज योर टेम्पर, यू आर अ फेस, यू आर अ रोल मॉडल फॉर एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए आप एक रोल मॉडल है, आप ये नहीं कर सकते, ये बात तो 100% फीस फाइन होनी चाहिए, और एक आध मैच बैन भी होना चाहिए, मैं इस बात पे भी साथ हूं, क्योंकि देखिए आउट है नहीं आउट है, आप शकीबुल हसन नहीं है, आप एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में, हर वो उस दिन मैं देख रहा था कुछ साइंटिस्ट है या क्या है वो भी कह रही है हमारी प्रेरणा जो है वो विराट कोहली है, मैं उस दिन देख रहा, तो आप एक देखिए आप एक आपको दुनिया देखती है, दुनिया फॉलो करती है, ये सचिन तेंदुलकर पान मसाला ये शराब शरूब के एड्स में नहीं आते थे, ये कहते थे नहीं एथिकली मैंने अपने वालिद साहब से वादा किया था, तो ये इनको क्रिएटर्स को भी ये सोचना चाहिए कि यार आप लाखों नहीं करोड़ों दिलों में बसते हैं, अगर आप इस तरह का बिहेवियर, कल का बच्चा उठेगा वो तो रिजवान साहब पता नहीं क्या कर जाएगा फिर, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये मैं समझता हूँ 100% मैच फीस फाइन होना चाहिए, एक आज मैच और कोहली को आके बकायदा ना सिर्फ ये एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि एक्सक्यूज करना चाहिए कि मैं मेरे से गलती हुई है, अब बड़ा इंसान वही होता है जो गलती मान ले। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात नहीं लिखी हुई, लेकिन कोई पता नहीं कोई आपने कोई ये हो नहीं सकता, ये जो मैसेज करता है ये हो नहीं सकता, अच्छा मैसेज हो बहरहाल ठीक है। अच्छा बहरहाल आई डोंट नो ये क्या लोगों ने बोला कि ये प्यार, अच्छा प्यार की बातें लिखी है, शाबाश है भाई तेरे, तू इधर ही अपनी लाइन सेट करने पे शुरू हो जा। यस, ये मैं बता रहा हूं, पहले चैनल पे कोई 5% या कोई 6% फीमेल्स आती हैं क्रिकेट में जिनका शौक होता है, बाकी तो ड्रामे ड्रूम में देखती रहती हैं, और उसमें भी कम हो जाती है, जिमा सिंह की है वो बच्ची है क्या, शिवानी कपूर है, 6% में से भी अगर आ जाता है कभी कोई गलती से
तुम लोग अपनी मतलब इन हरकतों पे आ जाया करो। ये इधर आती थी ऑस्ट्रेलिया से, जब से उसने घर बनाया वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई। तो भाई जो इधर आके तुम इस तरह की हरकतें करते हो, इसका मतलब है यू हैव नथिंग बेटर टू डू इन योर लाइफ। थोड़ा सा एटीट्यूड रखो बीच में भाई, ये मैं जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे जाके इधर उधर मैसेज अवारों की तरह लफंगों की तरह करते रहोगे तो कोई बोलेगा ये कोई लफंगा सा है, इस पे क्या कोई जवाब भी नहीं देगा। मिलेगी भी वैसे ही फिर कोई जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझेगा। कोई थोड़ा सा कोई ग्रेस लेके आओ, कोई डिसेंसी लेके आओ आपस में, अपने में कोई बात करने का कोई तरीका होता है, कोई अप्रोच करने का एक अंदाज होता है। तो ये मैं लहदा से ट्यूशन देता हूँ वैसे तो फिलहाल। ये लव गुरु और रिजवान अदर साहब से आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कीजिएगा, फिर ये आपको कुंडली खोल के बताएंगे क्या करना है। अच्छा जी, तो बाबर आजम 50 और रिजवान 51 बॉल 59, शाहीन शाह नसीम 31 बॉल। हाँ अजय साहब कह रहे हैं कि जी जब भी टीम हारती है तो आप मतलब आपकी तरफ इशारा है, कोच वगैरह और बोर्ड के पीछे बोल देते हैं, जो जो सीनियर प्लेयर हैं अब इनको इतने इतने साल हो गए हैं, इनका कसूर नहीं है। ये अजय साहब आपके कानों में रुई थी या क्या था कि आपको आवाज नहीं आई मेरी रात को? मैंने तो कोच की बात आज की है, रात को तो मैं सिर्फ प्लेयरों की बात बाबर 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 करता रहा, शाइन 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 करता रहा, नसीम नसीम रिजवान रिजवान, मैं तो कोचेस की बात ही नहीं कर ली। हाँ ये लफ्ज मैंने जरूर कहा कि इलिटरेट जो है वो क्रिकेट खिलाएंगे, इनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट के साथ? अगर आपको बुरा लगा है तो अजय साहब आप बताए, मैं वो कह देता हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं हाजिर। देखें बात तो ठीक ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जब 4 साल 5 साल 6 साल हो गए खेलते हुए, बंदे को अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट, चलो स्ट्रेंथ जो अगर कोई है एक आधी तो ठीक है, लेकिन वीकनेस पे तो काम करें। और ये मतलब आपके चार मेन खिलाड़ी जो कि आपकी टीम की बैकबोन होने चाहिए, वो ही कल सबसे ज्यादा क्रिमिनल किस्म का जो परफॉर्मेंस थी वो इन चारों की थी जिनके नाम स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। The most experienced ones are letting you down. बच्चे नहीं, जो experienced one है। और ये बाबर रिजवान भाई, चलो कोच आते जाते रहते हैं, हिसाब किताब बनता रहता है, लेकिन आप हेलो भाई इसका मतलब तो ये हुआ, देखे इट इज वेरी वेरी सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बैठे हैं, जो फैसला साज हैं, जिन्होंने दोज हु हैव टू मेक अ कॉल, इसका मतलब है वो ही नाले हैं। अगर मैं 5 साल से जैसे फखर जमान है कब से खेल रहा है, सेम गलतियां सेम फेलियर्स, हम वापस ले आते हैं इफ्तिखार, यानी हम एक भी बंदा नया नहीं ला सके, ये सिस्टम का फेलियर है, ये प्लेयर इसीलिए अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, दे आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट देयर इज नो वन हु कैन रिप्लेस देम। वही खुशदिल है, वही शदाब है, वही नवाज है, वही माद है, वही शाइन, वही नसीम, वही फलाना, वही बाबर, वही रिजवान। इसका मतलब है जो सिस्टम है वो करप्ट है, पूरा सिस्टम खराब है, प्लेयर एक्सप्लॉइट करता है आपको, आप एक्सप्लॉइट होते हैं। देखे ये जो बारी बारी तनख्वाहें हैं, बारी बारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ये क्यों है? फिर ये लोग कहते हैं आप क्रिटिसाइज, भाई मेरे में अगर एक फॉल्ट है और मैं वो ठीक नहीं कर रहा, इसका मतलब है मेरी कैपेसिटी नहीं है, और इसका मतलब है रिजवान अदर जो मेरे बॉस है या उनके जो बॉस है उनका भी कोई वीएन नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, नहीं, वो बात ठीक है कि नए प्लेयर आने चाहिए, अच्छे प्लेयर आने चाहिए, ये बोर्ड का काम है और भी अच्छे अच्छे प्लेयर लेके आए। अब ये बाबर रिजवान शहीन नसीम, अगर आपकी टीम हार रही है और आप देख रहे हैं कि जी सबसे गंदी परफॉर्मेंस किन की और वो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस वालों की है, तो ये बात तो बड़ी मतलब चुभने वाली है।
अब इसमें पिछले डेढ़ दो साल से यही हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। चूंकि चेयरमैन भी यहाँ पे तो ऐसे ऐसे चेंज होते हैं, और कोई आ रहा कोई जा रहा कोई जा रहा कोई आ रहा कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन ये प्लेयर तो चार पांच साल पहले जो खेल रहे थे अभी खेल रहे हैं, जो चेयरमैन पहले था आया चले गए, फिर कोई और आया, कुछ फ्रेंचाइजी से, कुछ दो नंबर जर्नलिस्टों से, कुछ सबका टटुओं से। तो भाईजान फिर आप में फिर है क्या? अगर आप में कुव्वते फैसला की कमी है, इफ यू कांट टेक बोल्ड डिसीजन देन गेट लॉस्ट। जब सी डी टीम से ऐसे हारोगे तो मेन टीम कौन भेजेगा? बिल्कुल सही बात है जी, उन्हें पता है कि अच्छा है, काफी है, इंडिया बी मिनस के सामने बच्चे भेजता है जी, वहां भी कोहली ने जी। बिल्कुल सही बात है आपकी, सारी बातें कर चुके हैं भाटिया साहब, ये सारी बातें हमने वी हैव सेड इट कि इस तरह की टीमों के खिलाफ आप तभी, मतलब अगर आप भी अपने बच्चे भेज दें तो देखे पाकिस्तान की हार के बाद कुछ आते हैं जो सिर्फ शोर मचा के एक्सप्लॉइट करते हैं और इकट्ठे करते हैं। मैं यहाँ से कौन सी चीज पकड़ू, मैं ये स्कैनिंग कर रही है कि मैं क्या पकड़ूं, कुछ यहाँ से कुछ वो यो, ये द अदर डे शी गेव मी दिस कार्ड, इट्स बाबा एंड बेबी। अरे वाह, देयर इज अ बाबा एंड बेबी एंड देयर इज अ बुक, यू लाइक इट? Yeah, go read it. Yeah, go read it. Okay, say them bye bye. Say we are. I'm going now. Yeah. See okay, you, again. You go. We are going. This see you again next time. Next time. And not every second day. Once in a while. Once in a month. Yeah. Not every day. Okay. आप बोले भाई मैं आता हूँ इसको। अरे अभी मूड नहीं है, कल आना, अभी मूड नहीं है। देखिए जी बात बड़ी सीधी सी है, अगर इंडिया की टीम वाले अभी तक हार्दिक पांड्या के लिए नहीं ला रहे तो वो भी कसूरवार उतने ही है जितना हार्दिक पांड्या। इसी तरह नसीम, शाहीन, फखर, इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, हैदर अली, बाबर, रिजवान, शदाब, इमाद, नवाज, आमिर अगर नहीं आ रहे, देखे ये कोई बात ना हुई कि बोर्ड का चेयर, बाकी तो माफिया वही है। ये आयशा अशर 1824 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वुमन क्रिकेट के साथ चिमड़ी हुई है। ये अब तो वहां एक नया ही कल्चर चल पड़ा है कि जनाब अपनी मर्जी के कमेंटेटर्स इकट्ठे करते हैं। अब तो कमेंट्री में बैठ गए वो अली यूनस 45 साल का बुढ़ा अपनी अंगूठियां दिखा रहा है, यानी कि ये अब क्रिकेट हो रही है। बात ये है जब तक आपको क्रिकेट के ही नहीं पता। देखें पिछले 5 साल से मैं आपको बार बार कह रहा था कि जब आप डोमेस्टिक का पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपकी आहिस्ता 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 फैक्ट्री की प्रोडक्शन जब बंद हो जाती है, जो आखिरी चीजें मार्केट में रह जाती है, आपका कोई नया प्लेयर नहीं आ रहा। पीएसएल अगर एक आठ निकाल ये देख लें, इरफान न्याजी ये पिंच हिटर है, वहां रिंकू सिंह है, यहाँ पे ये फिंकू सिंह है, वहां पे सूर्य कुमार यादव है, या आपका सैम अयूब है एक्शन में, नो लुक शॉट। अब यार क्या बातें कर रहे हैं, वहां पे देखे बुमराह, यहाँ पे कौन है, वहां एक ही बुमराह, वो एक ही सब पे भारी है। आप बताएं आप स्केरी बेंच स्ट्रेंथ है, कौन सी स्केरी है, कौन सी इंडिया की टीम आपसे डरे? वो अपनी सी टीम भेजेंगे क्लब की, इस टीम को वो मार देगी, शर्म करें। जीवन खेल कह रहे जब तक मौसम भाई
आप पीसीबी के चेयरमैन नहीं बनते तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। आज मुंबई इंडियन जीत रहा है, जेशा से बात हो गई है और घबराना नहीं है जी आपने। ठीक है जी, मैं तो फिर कभी भी चेयरमैन नहीं बनूंगा, दैट्स फॉर श्योर। फिर टीम के भी हालात देखें, बड़ा सिंपल फार्मूला है, जो 30-30 साल से अंगूठा छाप बैठे हुए हैं उन्हें फारिग करें। देखें ये जब ट्रेनिंग करने गए हैं इधर एबटाबाद, उसी वक्त रिजवान साहब ने कह दिया था कि मॉडर्न डे की, और मैंने भी इंडोर्स किया था। अभी आपने देख लिया, आजम इंजर्ड, आमिर इंजर्ड, इमाद अनफिट, तो भाई जान ये क्रिकेट आप खेलेंगे दौड़े लगा के, रस्से पकड़ के, टायर चला के। वो बचपन में हम टायर चलाते थे कुंडी डाल के या डंडी से टायर चलाया करते थे, तो वो तो रिजवान साहब ने देखे भी नहीं होंगे ये वाले खिलौने जो हमने खेले हैं। तो वो दौर था आउटडोर गेम्स का, अब दौर आ गया वीडियो गेम्स का। मोबाइल के ऊपर ही बच्चे लगे रहते हैं, जब तक मोहसिन नकवी साहब कोई बोल्ड स्टैंस नहीं लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हीं कुछ कुछ बदमाशों के, कुछ गुंडों के, कुछ वो क्या रजिया फंस गई कुछ चैनल्स वालों के जेरे ताब, जब तक ए स्पोर्ट जैसे दिखाएंगे तो फिर यही होता रहेगा। ऐसी कमेंट्रियां होंगी, ऐसी क्रिकेट होगी, मासूम अवाम है, बेवकूफ बन जाती है ओवरनाइट, इसको खिला दे, इसको बिठा दे, इसको ले आए, उसको उठा दे, यही होता रहेगा। और ये आपके जज्बात से खेलते रहेंगे। अगर आप क्लीन चिट देंगे बोर्ड को और सारा डालेंगे प्लेयर पे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। प्लेयर्स को अच्छी तरह पता है कि इनके पास बैकअप नहीं है, यही आसिफ अली आ जाता है, यही हैदर आता है, यही गुजदिल आ जाता है, तो भाई बैकअप नहीं है। यही इफ्तिखार डोमेस्टिक में बच्चों को मार के और जमानदार कर दे, टपक समा कानून दे, ऐसी दी तैसी दे, ये लॉबीज है, कोई पठान लॉबी, कोई सिंधी लॉबी, कोई पंजाबी लॉबी, ये पाकिस्तान टीम थोड़ी है। ये तो भाईजान ऐसे लगता है वॉरलॉर्ड्स हैं, इधर उधर से इकट्ठे किए हुए हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी गुड बुक्स में है, तो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, चेयरमैन भी है, अगर प्राइम मिनिस्टर भी ना बन जाए। राज कह रहे जी एंजॉय इज बाय द ग्रो टू ग्रो अप टू फास्ट। जी हाँ माशाल्लाह, अब आपको तो ज्यादा अंदाजा होगा, मोहसिन भाई को भी अंदाजा है, तो बच्चे ऐसे देखते देखते ही बड़े हो जाते हैं। और आई स्टिल रिमेम्बर कुछ ही महीनों की या दो तीन महीने पहले आई वॉज टीचिंग हर कि ये ऐसे ऐसे स्टेयर्स पकड़ पकड़ के ऊपर आना है और ऐसे ऐसे स्टेयर्स पकड़ पकड़ के नीचे जाना है। अब वो एक सेकंड अगर उसको मिले हम नीचे वाला दरवाजा खुला हुआ हो तो वो भाग के ऊपर आ जाती है और फुल स्पीड से पीछे भागना पड़ता है पकड़ने के लिए। तो माशाल्लाह से दो तीन महीने में शी हैज बिकम सो एक्टिव। तो आपको क्या जरूरत है जिम जाने की, आपकी फिटनेस का तो ये राज है, आप हमें जिम जाते हैं। वो वजन जो कम हो रहा है उसमें इसके भी बड़ी अमल दखल है। तो भाई ये सारी चीजें हमने भुगती हैं, लेकिन मैंने नहीं भुगती, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं चला। सारी जिंदगी काम कर काम काम काम, तो बच्चे माशाल्लाह वाकई अपने से लंबे हो गए। ये बात सही कर रहे हैं राज साहब, पता नहीं चलता। शी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग लास्ट ईयर, इन्हीं दिनों में थोड़ा सा चलती थी, फिर अटक के फिर गिरती थी, फिर चलती थी। अब तो माशाल्लाह काफी अच्छा और तेज। यहाँ तो इसको गोद की आदत पड़ गई थी ना, एक उठा रहा है दूसरा, अब क्योंकि कोई है नहीं है तो इसने चलना ही चलना था और भागना भी खुद ही था। ऐसे ही है जी। तो थैंक यू वेरी मच राज जी फॉर योर लवली मैसेज। इंशाल्लाह वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट, सो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही गुजरेंगे दिन। मुंबई इंडियन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स टुडे इन आईपीएल, और वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर मुंबई इंडियन एंड आरआर, क्योंकि आरआर ने पिछली दफा भी विल विंड किस्म का स्टार्ट लिया, उड़ा के रख दिया और बाद में भूख निकल गई। मुंबई इंडियन स्लो स्टार्टर है इस दफा, बहुत प्रेशर में है, कुछ जीत रही है, कुछ इल्जाम लग जाते हैं, फिर एक आध मैच हारती है, फिर एक आध, अब पिछला मैच हारते हारते जीत गई है, अब इस मैच में फिर नया दिन, नई जिंदगी। बुमराह पे सारा प्रेशर देगा, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त वर्ल्ड कप
एक महीना दूरी पे रह गया बाप, अप्रैल तो खत्म हो गया, नाउ लास्ट मंथ बिफोर द वर्ल्ड T20 एंड यू हैव ओनली वन प्रीमियर बॉलर। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, सिराज आपके सामने एक ओवर में 20-20 रन दे रहा है, अर्शदीप भी यही कर रहा है, बाकी तो ये दयाल व्याल ये तो अभी माजरत है, ठाकुर वाकुर ये हर्षल पटेल पटेल ये भूल जाए आप, तो भाईजान अभी दूसरा फास्ट बॉलर नहीं, टचवुड अकेला बुमरा है, क्या होगा, शामी तो इंजर्ड है, अर्शदीप सिराज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कैसे हार्दिक पांड्या का पता नहीं चलता, तो क्या होगा, तो भाईजान इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, लेकिन नहीं हो रहा, सारा प्रेशर मुंबई का बुमराह पे है और बुमराह लैंड फ्रॉम द फ्रंट, बुमराह ही मैच जिता रहा है, बुमराह ही मैच बना रहा है, बुमराह ही मैच में रख रहा है, बुमराह ही जीत में जी आ रहा है, बुमराह ही सब कुछ कर रहा है, तो अकेला कब तक करेगा, बाकी कब, ये मधवाल तो इस साल लगता है सिर्फ मार खाने आया, ओनली कुट एंड नथिंग एल्स, बहुत ही बुरा हाल है मधवाल का, मुझे यकीन नहीं आ रहा, और जो बाकी पेसर भी हैं वो ये भी बीच में बता दें, आपने अभी बोला था कि वो पूछ रहे हैं कि आउट हो गया न्यूजीलैंड सीरीज से क्या रिजवान, जी जी रिजवान आउट हो गया न्यूजीलैंड सीरीज से, जी ये बीच में बार बार मैसेज कर रहे थे, अच्छा हाँ, आउट हो गया, तो हैमस्ट्रिंग खींच गया उसका, टॉप पे है राजस्थान रॉयल्स, अपने घर में चाहेगा कि एक और मैच खेले, आखिरी उनका घर में मैच है इस सीजन का, और फिर दूसरे शहरों में जाएगी दूसरी टीमों से खेलने के लिए उनके होम ग्राउंड्स में, सो बिफोर दे लीव दे वुड लव टू हैव अनदर विन, और गड़बड़ जो हो ना हो, लेकिन ये अच्छा ही कर रहे हैं, जाके भी एक मैच ही हारे हैं और वो भी अपनी गलती की वजह से ही हारे हैं, टू बी ऑनेस्ट, बोल्ड वगैरह को ओवर नहीं दिए और गुजरात ने चेज कर दिया, अच्छा खासा बड़ा टोटल था, और वो भी अपनी बोल्ड को ओवर नहीं देने की वजह से जो एक मैच हारे हैं, वो भी गलतियों की वजह से हारे हैं, वरना शायद के 7 out of 7 भी हो सकता था इनका, सो दे आर लुकिंग वेरी सॉलिड वेरी बैलेंस्ड साइड, और नॉट ओनली इन बैटिंग डिपार्टमेंट बट ऑब्वियसली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, अश्विन उस तरह मैच नहीं कर पा रहा चाहल की ब्रिलियंस को, जिस तरह चाहल विकेट भी ले रहा है, इकॉनमी भी उसने अच्छी रखी हुई है, लेकिन दोनों अच्छे बड़े नाम है, वी नो इट, और फिर जिस तरह अवैश खान और वो साथ में बोल्ट और कुलदीप सैन, अभी तो बर्गर को नहीं खिला रहे काफी दिनों से, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बर्गर आएगा तो वो तो पहले मैच से ही ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा और विकेट ले रहा था, तो जसवाल बटलर संजू रियान पराग तो बस भाई उसका वो कौन सा जन्म बोलते हैं, पुनर्जन्म हुआ है भाई, वो तो कोई नेक्स्ट ही लेवल का लग रहा है, रियान पराग, हेटमायर ने आपको पता है पंजाब के खिलाफ एक मैच जिताया और वो हमेशा अच्छा तेज खेलता है, रोमन पावल साथ में अब उसको बीच में खिला रहे हैं भाई, तो चार बंदे ये भी बुरे नहीं है, बोल्ट रोमन पावल हेटमायर और बटलर, चार फॉरेन प्लेयर खौफनाक हैं, स्केरी है, अश्विन अवैश खान कुलदीप सैन चाहल, तो काफी अच्छी बैलेंस साइड्स नजर आई है, ये मुंबई की बात करें तो बॉलिंग उनकी बहुत गुजारे वाली है, हल्की है, काफी कंप्रोमाइज, देखें ये तो एक आप रूल ये नोट कर लें, जो टीमें भी बॉटम में होती हैं उनकी यही हाल होता, आरसीबी व्हाई दे आर एट द बॉटम, बेकार है, बिल्कुल बेकार बॉलिंग है, तो मुंबई भी क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि बॉलिंग इनकी बेकार है, बेकार से मुराद है कि मैच नहीं कर पाते बुमराह की ब्रिलियंस को, भाई आपकी टीम में एक ऐसा बॉलर है जो 4 ओवरों में 20-22-24 रन देता है, फिर भी आप 200-200 पूरे करवा रहे हो, इसका मतलब है बाकी के 16 ओवरों में भी आपकी सही कुट लगती है, तो थोड़ा सा बंदा कोई थोड़ा ख्याल करता है, लेकिन नहीं, तो इनका वो मधबाल वगैरह कुछ नहीं चल रहा, एवरेज नजर आ रहा है, वो वन सीजन वंडर नजर आ रहा है, तो ही नीड्स टू डू वेल, या वो कॉट्जी है या बुमराह, कॉट्जी बीच में एक्सपेंसिव हो जाता है, बट ही जब मार खाता है तो धड़ाधड़ मार खाता है, सो ही इज अ विकेट टेकर, बुमराह तो बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड है,
कॉट्सी अच्छा बीच में एनर्जी के साथ बॉलिंग करता है, पैशन के साथ बॉलिंग करता है, बाकी कोई और मैच नहीं कर पाते। पार्ट टाइमर ये शेफर्ड, बीच में पांड्या खुद आ जाता है, या वो जिनका मैंने अभी जिक्र किया मधवाल साहब को दे देते हैं वो स्पिनर। अभी वो गोपाल को कभी मूड हो पांड्या का तो ओवर दे देगा, नबी को अगर कभी जनाब उसका इरादा हो कि हाँ चलो जी आज नबी से आज सुबह नाश्ते में अच्छी गपशप हुई थी तो आज इसे एक ओवर मिल जाएगा। तो पांड्या के मूड पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ कि उसका मूड क्या है, कभी नबी को देना है ओवर नहीं देना, गोपाल से ओवर कराना है नहीं कराना। तो आजकल शेफर्ड से मेहरबान है वो, उससे दो दो ओवर करवा के 25-25, 30-30 रन दे के टीम का बेड़ा गर्क करवा के तो ये काम चल रहा है। बैटिंग में इनके पास दे हैव द एबिलिटी एंड पावर, स्टिल इस मिस्ट्री के ये पूरे ओवर खेल गए सीएसके के खिलाफ इनसे चेस क्यों नहीं हुआ। तो टीम इनकी अच्छी है, व्हेन वी टॉक अबाउट बैटिंग देयर बैटिंग इज एक्सीलेंट, उसमें भी थोड़े से गड़बड़ हो रही है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे इनको शफलिंग करनी चाहिए एज पर द नीड और एज पर द सिचुएशन। शफलिंग में इनसे प्रॉपर ये बेस्ट नहीं निकाल पा रहे अपने बैटिंग ऑर्डर, उस बैटिंग ऑर्डर में जिसमें नबी 8वें 9वें नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपसे चेज ना हो। और खतरनाक बैटिंग है ईशन किशन, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव के आने के बाद, फिर पांड्या खुद भी है, तिलक वर्मा बड़ा अच्छा खेल रहा है वो भी, फिर डेविड शेफर्ड, नबी, तो ये 8वें नंबर पर नबी मारता है। आप देखें इतनी स्केरी है, तो थोड़ा बैटिंग में भी इनको नयापन लेके आना चाहिए कि देखना चाहिए क्या सिचुएशन है और सिचुएशन पे कौन। हार्दिक पांड्या खुद बल्ला उठा के आ जाता है जब आखिरी 4-5 ओवर हैं, तो भाई हार्दिक पांड्या साहब आप जितने भी बड़े हिटर होंगे आप टिम डेविड को भेजें वहां पे, फिर आखिरी 4-5 ओवरों में टिम डेविड को आप भेजें, वो ज्यादा अच्छा हिटर है, वो आप तो ऑलराउंडर हैं, वो है ही स्पेशलिस्ट इसी काम के लिए। क्या आखिरी 4-5 ओवरों में दुनिया में बड़े कम से बैट्समैन होते हैं कि जो तेज अच्छा खेलते हैं, तो उसमें से एक वो है। तो जब 4 ओवर 5 ओवर रह जाए तो आपको क्या जरूरत है बल्ला पकड़ के आने की, आप फिर टिम डेविड को भेजें। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं वो इनको कॉस्ट कर रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे T20 खेल ये तमाम एंगल से आप खींच खिंचा के किसी भी तरीके से आपने अपने रन्स कैसे बढ़ाने हैं और अपोजिशन के रन्स कैसे कम करने हैं, ये है सारा खेल क्रिकेट का। एट द एंड ऑफ द डे एक रन से कल वो जीत गई है KKR, एक रन से जीत गई है। तो पूरा क्रिकेट का खेल ये है कि आपने अपने पूरे रिसोर्स जो मैंने कहा था कीपर की तरफ बॉल थ्रो करना है, तो पूरी अपनी एनर्जीज और रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हुए सिंपल सी बात है कि आपने अपनी अपोजिशन से एक रन ज्यादा करना है या उनको ज्यादा नहीं करने देना। तो वो सारी ये छोटी छोटी जो मैंने बातें की हैं ये काउंट करती हैं। तो अगर ये जब आपसे अच्छा वो हिटिंग करता है कोई भी है, चलो नाम नहीं लेता, अगर कोई अच्छा हिटर बाहर बैठा हुआ है और कोई उससे कम एबिलिटी वाला अंदर चला गया और आखिरी 4-5 ओवरों में, तो वो अगर आपकी टीम को 4-5 रन भी कॉस्ट करे तो ये बहुत ज्यादा है। और बॉलिंग में भी अगर अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं और आप पार्ट टाइमर को वाले बॉलर को दे दे के पिट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी टीम के लिए नुकसान कर रहे हैं। शेफर्ड को 2-2 ओवर 3-3 ओवर मिल रहे हैं, स्पिनर को किसी को नबी को 1 दिन ओवर मिलता है 1 दिन नहीं मिलता, गोपाल 1 ओवर में 8-9 कर रही है आउट करता है अगले ओवर ही नहीं मिलता। तो टैक्टिक्स इनके अजीब से हैं जो इनको कॉस्ट कर रहे हैं। टीम बुरी नहीं है ऑन पेपर, मुंबई इज वन ऑफ द वेरी वेरी बैलेंस्ड साइड्स ऑन पेपर। बॉलिंग में भी जिस टीम में एक निगाह दौड़ाएं तो बुमराह नजर आ जाए बंदा कहता वाह बुमराह है इनके पास, दुनिया की वर्ल्ड 11 बनेगी, वर्ल्ड 11 दुनिया की तो बुमराह उसमें होगा। तो वो बुमराह तुम्हारी टीम में है तो तुम उसका भी फायदा, बाकी सारे कुछ फायदा नहीं उठा रहे। तो देखते हैं जी क्या बनता है जी सिलसिला, और मस्ट विन मैच की तरफ जाता जा रहा है सिलसिला मुंबई इंडियन का, क्योंकि अगर हारेंगे तो अब गलती की गुंजाइश है कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये 7वें नंबर पे मौजूद हैं, और अगर आज का मैच जीतेंगे और थोड़ा सा अच्छे नेट रन रेट से जीतेंगे
तो फिर चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकते हैं, मतलब पांचवें पे भी जा सकते हैं. मैच आज का अगर जीत जाएंगे तो दे विल गो थ्रू, दे विल रीच एट नंबर सिक्स. वो तो चले जाएंगे छह पे तो हर हाल में, लेकिन अगर थोड़ा और भी अच्छा जीत गए तो ये मैच जीतने के बाद पांचवें नंबर पे भी जा सकते हैं. तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग इनको आना शुरू हो जाएगी कि अगर ऐसा हो गया पांचवें नंबर पे आ जाएंगे टॉप फोर के. हाँ, तो आज का मैच बड़ा अहमियत का हामिल है. ऐसा नहीं है कि वो अगर छह मैच जीते हुए तो आज राजस्थान रॉयल्स को हराया नहीं जा सकता. आपने देखा उनको पंजाब पकड़ने वाली थी राजस्थान रॉयल्स को, बड़ी मुश्किल से वो पंजाब से भी जीते हैं. तो अच्छी टीमों को भी पकड़ा जा सकता है. आपकी भी टीम मुंबई की भी अच्छी है ऑन पेपर, बिल्कुल बेकार टीम नहीं है, बहुत अच्छी बैलेंस साइड है ऑन पेपर. लेकिन पेपर की बात और है, एग्जीक्यूट करना और गेम में डिलीवर करना और बात है. अब देखते हैं कि गेम में डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं. अच्छा मैच होने की तवक्को है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी. अभी इजाजत ही लेते हैं, कोई बात है भाईजान या कंक्लूड कर दें बस? ठीक है, मिलेंगे जी आपसे फिर हम मिड इनिंग्स में. अब तो दो घंटे के बाद मैच शुरू हो जाएगा और जैसे ही फिर ब्रेक आएगी उसमें इनिंग्स की ब्रेक, तो फिर आपसे होगी मुलाकात. सही है, ख्याल रखिए अपना और लाइक और सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय.